आप सभी पाठकों श्रोताओं को जीएस न्यूज की ओर से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर शुरू हो रहे प्रतियोगिता अक्टूबर सीजन का आज का पहला सवाल। सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? ए 27 अक्टूबर, बी 28 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर या डी 30 अक्टूबर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कृपया ध्यान दें कि जवाब देने के उपरांत अपने पास स्क्रीनशॉट कर जरूर रख लें, ताकि प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद आपको नियम व शर्त के अनुसार उसे जमा कर अपना पुरस्कार प्राप्त करना होगा। कोरोना काल में नामांकन का पहला दिन सुल्तानगंज से प्लूरल्स के पहचान चिन्ह पर किरण मिश्रा ने कराया नामांकन। भागलपुर में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं नामांकन का पहला दिन होने के कारण प्रत्याशियों ने नामांकन में कोई खास रुचि नहीं दिखाया। हालांकि सुबह 10 बजे से ही नामांकन काउंटर पर कर्मी तैनात थे। नामांकन काउंटर के इर्द गिर्द और परिसर के बाहर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसी कड़ी में दोपहर में प्लूरल्स के पहचान चिन्ह पर सुल्तानगंज विधानसभा से किरण मिश्रा ने अपना नामांकन कराया। नामांकन के पश्चात प्लूरल्स प्रत्याशी किरण मिश्रा ने आगामी चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतने का दावा किया है। हो रहे हैं किसानों की सुविधा के लिए, हो रहे हैं किसानों को अनुदान नहीं चाहिए, उसका अधिकार चाहिए, उसको मुफ्त का बीज, सिंचाई, खाद और कीटनाशक दवाएं मुफ्त में चाहिए, सिंचाई का उत्तम प्रबंध चाहिए। इसलिए आप क्षेत्रीय मुद्दे आप या राजकीय मुद्दे के बीच, राजकीय क्षेत्रीय दोनों मुद्दा, क्षेत्र से ही राज्य बनता है बेटा। पंचायत में आज देखो ना, कोरोना में सरकार तो बहुत मुफ्त में दे दी अनाज, आज भी जाके देखो बहुत खाने के लिए बच्चे मर रहे हैं। इतना एनजीओ या बहुत समाज सेवक लोग दिए, सबल को ही मिल रहा है, निर्बल को नहीं। हरिजन टोला में जाके देखो, मुसहरी टोला में जाके देखो, पानी पीने का जो है ठिकाना नहीं, एक लाइट नहीं, लेकिन घर में हेलम हेल पानी है, कुंभी उम्भी सहित है। गृहिणी से राजनीति तक का। भागलपुर में तस्करी के लिए जा रहे शराब को पुलिस ने किया बरामद। मौके से तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर में ततारपुर थाना क्षेत्र के नौवा टोली में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं संबंध में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि एसएसपी आशीष भारती को शराब तस्करी की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसएसपी ने एक टीम का गठन किया। वहीं उक्त टीम ने भी कार्रवाई करते हुए नौवा टोली निवासी दीनानाथ शाह के पुत्र सुनील शाह को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इसके पास से इंपेरियल ब्लू के 750 ml का 203 बोतल, 350 ml का 44 बोतल और रॉयल चैलेंजर के 24 बोतल शराब बरामद किया है। सतारपुर थाना अंतर्गत ननवा टोली में सुनील शाह के पास खराब खेप शराब का आया। इस सूचना पर सीनियर साहब ने स्वच्छ एक टीम गठन किया, जिस टीम में एएसपी सिटी, एएसपी प्रोबेशनर, थाना प्रभारी सतारपुर, थाना प्रभारी यूनिवर्सिटी, एक टीम गठन किया गया और टीम स्वच्छ छापामारी किया। छापामारी क्रम में अभी आपके सामने दिखाया जा रहा है, मैं डिटेल आपको देता हूँ कि इम्पीरियल जो ब्लू है 750 ml का 203 बोतल मिला, यानी कि 152 लीटर होगा, 2.5 लीटर होगा। दूसरा है इम्पीरियल ब्लू, वो 375 ml का 44 बोतल। तीसरा आपका है रॉयल चैलेंजर से 750 ml का 24 बोतल मिला, यानी कि कुल 186.75 बरामदगी हुई है और गिरफ्तारी हुई है सुनील शाह, स्वर्गीय जयनाथ शाह, साकी ननवा टोली, ततारपुर। ये आज की उपलब्धि है धन्यवाद। ये इनका घर का ऐसा बनावट है, आगे दुकान है और पीछे घर है, तो कुछ बोतल जो है इनके घर से मिला है, कुछ बोतल जिनके दुकान से मिला है। और हम लोगों को जानकारी ये भी मिली है कि बोतल कहाँ से आया था, शराब कहाँ से, अवैध शराब कहाँ से आई थी और कहाँ जाना है, वो पूछताछ और कर रहे हैं।
ताकि इससे जुड़े हुए अन्य व्यक्ति जो भी शामिल है हमें उन्हें गिरफ्तार कर सकें। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौबतिया 9534338689 7856914231 6206224713। नवगछिया पहुंची अभिनेत्री को किया सम्मानित। हिंदी सिनेमा और दक्षिण भारतीय फिल्मों की सुपरस्टार खुशबू पोद्दार के नवगछिया आगमन पर स्थानीय युवाओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। खुशबू पोद्दार मूलतः खगड़िया जिला की निवासी है। हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में कई फिल्मों, शॉर्ट फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री का काम किया है और आगे भी आने वाली फिल्मों में अनेक किरदार निभा रही हैं। वहीं नौगछिया आगमन के दौरान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष इंदु भूषण झा, जिला संरक्षक अजय कुशवाहा, सह संयोजक अनीश यादव ने अंग क्षेत्र के मशहूर पेंटिंग मंजूसा पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया है। नवगछिया 40 अपराधियों का CCA 3 के लिए भेजा गया प्रस्ताव 2500 पर हो चुकी है 107 की कार्रवाई। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नवगछिया पुलिस सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर क्षेत्र में विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एवं मतदाताओं को डराने धमकाने वाले को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुख्यात अपराधी पर CCA की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस जिले में जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, इसको लेकर पुलिस स्तर से पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव को लेकर शनिवार तक पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनी नौगछिया पहुंच जाएगी। इसके बाद अपराधियों का धरपकड़ का ऑपरेशन चलाया जाएगा। दियारा में भी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा। SDPO ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर अब तक 2500 से अधिक लोगों पर धारा 107 की कार्रवाई की जा चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस जिले में 5000 से अधिक वैसे लोग हैं जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वैसे लोगों पर पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा अब तक 40 अपराधियों पर CCA 3 की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस जिले के 60 अपराधियों पर CCA की कार्रवाई होनी है। अन्य अपराधियों पर भी CCA की कार्रवाई को लेकर प्रस्ताव भेजा जा रहा है। नवगछिया तिनटेंगा करारी में सामुदायिक शौचालय व स्नानागार के ईट जुड़ाई कार्य को महिलाओं ने किया क्षतिग्रस्त। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत तिनटेंगा करारी पंचायत में PWD सड़क के किनारे सामुदायिक शौचालय का निर्माण पिछले कई दिनों से करवाया जा रहा था। अचानक गुरुवार की सुबह महादलित परिवार की दर्जनों महिलाएं निर्माण स्थल पर पहुंची और किए गए कार्य को क्षतिग्रस्त कर दिया। सरपंच घनश्याम पासवान ने इस बारे में बताया कि जानबूझकर महादलित टोले की अनदेखी कर मंडल टोला में सामुदायिक शौचालय बनवाया जा रहा है। हम लोगों ने इसकी लिखित शिकायत BDO गोपालपुर से किया था, परंतु किसी भी तरह की सुनवाई इस मामले में नहीं की गई, जिस कारण समाज की महिलाएं आक्रोशित हो गई। वहीं BDO प्रियंका ने कहा कि सभी पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत बनाया जाना है। इसमें 3 शौचालय, 1 स्नानागार महिलाओं के लिए व 3 शौचालय व 1 स्नानागार पुरुषों के लिए बनाया जाना है। तिनटेंगा करारी में सरकारी जमीन पर नियमानुसार अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। यदि किसी को आपत्ति थी तो कार्यालय में मिलकर शिकायत कर सकते थे। गैर कानूनी तरीके से सरकारी कार्य में तोड़फोड़ करना गलत है। पूरे मामले की जाँच कर दोषी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गोपालपुर विधानसभा चुनाव के सफल संचालन हेतु 9 कोषांगों का गठन। आगामी विधानसभा चुनाव के सफल संचालन हेतु गोपालपुर की BDO प्रियंका ने 9 कोषांगों का गठन किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा को कार्मिक कोषांग, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतन कुमार चटर्जी को वाहन कोषांग, सहकारिता पदाधिकारी सुजीत कुमार को सामग्री कोषांग, अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल को विधि व्यवस्था, आचार संहिता व निर्वाचन अपराध कोषांग, कार्यपालक सहायक बम कुमार को प्रशिक्षण सह प्रेक्षक पहचान पत्र, जनसेवक मोती लाल राम को मतदाता सूची कोषांग, CDPO संगीता कुमारी को मतदाता शिक्षा, डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद तनवीर आलम को ऑनलाइन प्रविष्टि प्रतिवेदन कोषांग, अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल को पुलिस CPMF ठहराव कोषांग का प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। गोपालपुर अर्धसैनिक बलों का पहुंचना प्रारंभ।
गोपालपुर विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु गोपालपुर प्रखंड में अर्धसैनिक बलों के आने का सिलसिला गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। वीडियो प्रियंका ने बताया कि इंटरस्टी प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में आवासन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि लालजी मध्य विद्यालय मकनपुर SBC इंटर स्तरीय विद्यालय लत्ती पाकर धरारा व पंचायत सरकार भवन तीनटेंगा करारी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के आवासन हेतु चिन्हित किया गया है। नवगछिया में मास सिकिंग अभियान में 68 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 68 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3400 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। वही इस अभियान में 3 वाहन से 3000 रुपए भी जुर्माना वसूल किए गए। गोपालपुर ग्रामीणों के पहल पर तीनटेंगा खास महाल कचहरी का खुला ताला। रंगरा अंचल में तीनटेंगा करारी शिफ्ट किए जाने के बाद ग्रामीणों के विरोध से कई महीनों से कार्यालय बंद था, जिस कारण राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही थी। वहीं गुरुवार को खुद ग्रामीणों की पहल पर बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने अंग्रेज के जमाने का खास महाल कचहरी का ताला खोला। वहीं गोपालपुर के CO मोहम्मद फिरोज इकबाल ने बताया कि अब राजस्व संबंधी कार्य, दाखिल खारिज, लगान रसीद, अन्य कई मामला निष्पादन होगा। गोपालपुर और रंगरा अंचल के रैयत का अलग अलग रसीद कटेगा। गोपालपुर अंचल के प्रभारी निरीक्षण पदाधिकारी सह राजस्व कर्मचारी किशोर मिश्रा सोमवार और मंगलवार को गोपालपुर अंचल से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेंगे। अन्य दिन रंगरा के कर्मचारी रंगरा अंचल से संबंधित कार्यों को करेंगे। वहीं कार्यालय के ताला खुलने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर थी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अब रंगरा अंचल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। वहीं मौके पर अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल, थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती, CI किशोर मिश्र सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। वस्तु स्थिति यह है कि गोपालपुर अंचल और रंगरा अंचल के जितने भी रैयत हैं, उनका अलग अलग राजस्व रसीद कटेगा। गोपालपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री किशोर कुमार मिश्र रंगरा का कार्य नहीं करेंगे, जबकि रंगरा के कर्मचारी जो होंगे वह गोपालपुर का कार्य नहीं करेंगे। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को श्री किशोर। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारे सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। नवगछिया, वज्रपात होने से वृद्ध महिला की गई जान। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल के नीचे महादेवपुर दियारा में दोपहर में घास काटने के दौरान ठनका गिरने से राघोपुर कचहरी टोला निवासी 65 वर्षीय पंचा देवी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी परिजनों के अलावा परबत्ता थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मृतक महिला के परिजन और पुलिस पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। घटना घास काटे के वास्ते पंचायत देवी होले दीरो गेलो छले विक्रमशिला पुल के नीचा में घास गिरी रहलो ले, वही क्रम में जे छे ठनका गिरले जैसे मृत्यु भ गेले। पोस्टमार्टम कराए के वास्ते अनुमंडल अस्पताल नवगछिया लेके गेले। कखनी गिरलो ठनका? 1:30 बजे के करीब। अच्छा, घर कहाँ होले? राघोपुर। हाँ, की नाम होले तोरा? जुगल किशोर। तोरा की लगे छे? बाबी लगे छे। मम्मी गेले घास आने ले 4-5 आदमी से गेले वहाँ को विक्रमशिला सेतु के बगल में घास गरे महादेवपुर घाट में। तो 1 बजे लगभग 1:30 बजे अथी ठनका गिरले
तनका गिरलै तब नाव से आनल गेलिए राघवपुर कचहरी टोला। की नाम होलै मम्मी के? पंचा देवी। घर? राघवपुर कचहरी टोला। थाना? परबत्ता। एकरी कहाँ आयल छो? हॉस्पिटल नवचान मंडल। की नाम होलो तोरा? सुनील कुमार। काय भाई? चार भाई। शराब बरामदगी के मामले में चिमनी संचालक सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज। नौगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी के पास स्थित चिमनी भट्टा से बरामद हुए विदेशी शराब के मामले में नौगछिया थाने में पुलिस पदाधिकारी के बयान पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें चिमनी के संचालक तेतरी निवासी विजय सिंह सहित अन्य को नामजद किया गया है। नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई चिमनी भट्टा से कुल 76 कार्टून से कुल 682.5 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। इस दौरान एक अपाची मोटरसाइकिल BR10C6131, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल BR39F1606 एवं एक ऑल्टो कार BR11A S7262 को जब्त किया गया है। SDPO ने बताया कि घटनास्थल से बरामद हुए वाहन किन लोगों के हैं, पुलिस द्वारा इसका भी पता लगाया जा रहा है। नवगछिया के पकरा में 7 राउंड हुई फायरिंग, पुलिस द्वारा नहीं की गई पुष्टि। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा गांव में फायरिंग होने की सूचना है। नवगछिया पुलिस ने घटना की पुष्टि नहीं की है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने अपना नाम ना जग जाहिर करने के शर्त पर बताया कि नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा गाँव के स्टेट बैंक के समीप बीच सड़क पर एक वाहन से 2 व्यक्ति पहुंचे और अचानक ताबड़तोड़ 7 चक्र गोलियां चलाई और बिना किसी को कुछ कहे वहां से भाग गया। ग्रामीणों ने कहा कि स्थल पर खोखा भी देखा गया। गोली चलने से गांव में दहशत का माहौल है। नारायणपुर चौक पर ट्रक और पिकअप में टक्कर, दुकान में घुसा ट्रक, एक जख्मी। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH31 नारायणपुर चौक पर गुरुवार की संध्या ट्रक और पिकअप के आमने सामने की टक्कर में ग्राहक गनौल निवासी डिब्बोसा जख्मी हो गया, जबकि दुकानदार चमरू यादव बाल बाल बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद चमरू यादव के चाय दुकान में ट्रक घुस गया। दुकान में चाय पी रहे डिब्बोसा जख्मी हो गया। दुकानदार चमरू सहित अन्य ग्राहक ने भाग कर जान बचाया। मौके पर पहुंचे भवानीपुर पुलिस ने दोनों वाहन को जब्त कर लिया है और जख्मी का प्राथमिक उपचार PSC नारायणपुर में कराया। वहीं मौके पर चकमा देकर ट्रक और पिकअप का चालक भागने में सफल रहा। नवगछिया खरीक में आग लगाकर जान मारने का प्रयास और मारपीट करने के मामले में आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। घर में आग लगाकर जान मारने का प्रयास करने और मारपीट मामले में आरोपी ध्रुवगंज निवासी खरीक थाना कांड संख्या 140/20 का नामजद अभियुक्त लड्डू कुमार, शंभू कुमार, राहुल कुमार, सोनू कुमार ध्रुवगंज के अल्पसंख्यक परिवार के घर में आग लगाकर जान मारने का प्रयास और मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं कांड संख्या 141/20 का नामजद अभियुक्त सद्दाम मंसूरी, दाऊद मंसूरी, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद सफुलद्दीन और मोहम्मद सियाज को मारपीट करने के आरोप में समन्वयक कार्रवाई करते हुए खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने दोनों पक्ष के आरोपित को एक साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज, पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगछिया 9534338689 7856914231 6206224713। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67170।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर।